मई के शुरुआती दिन में बादल छाए रहने से कुछ दिन मुंबईकरों के लिए बेहतर रही, लेकिन अब चुलचुलाती धूप टपकते पसीने के साथ अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी मुंबईकरों को परेशान करने वाली है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार सप्ताहांत में मुंबई में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है। हवा में बढ़ी आर्द्रता के चलते इस चुलचुलाती धूप में दिन में मुंबईकरों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा में आर्द्रता 80% तक पहुंच गई है। उत्तर दिशा से आने वाली हवा और गर्म हो गई। गर्म हवाओं का रुख बरकरार रहने के कारण मुंबईकर दिन के समय पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम तापमान जो अप्रैल के अंत में 34 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, अब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रवार को कोलाबा मौसम विज्ञान केंद्र में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सेंटा क्रूज वेदर ब्यूरो में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश मिश्रा के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मई में अधिकतम तापमान 34 से 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहता है। इस बार इसके पार होने की आशंका जताई जा रही है। दिनेश मिश्रा ने बताया कि आगामी 1 से 2 दिन में अंडमान निकोबार दीव द्वीप समूह में एक साइक्लोन बन रहा है। गर्मी के चलते बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है।